हेलो दोस्तों, फ्री कुकिंग में एगलेस अयनगार बेकरी स्टाइल केक क्लास की एक और रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आज मैंने अयनगार बेकरी स्टाइल में रवा मावा केक बनाकर तैयार किया है, जो खाने में बहुत ही ज्यादा सुपर टेस्टी है। रवा मावा केक स्पोंगी बने और वह बिल्कुल भी डेंस ना रहे, इसके लिए आपको ट्रिक बताई जाएगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए आप अपने रवा मावा केक को बहुत ज्यादा जालीदार और सॉफ्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। जैसा टेक्सचर आपको मार्केट में देखने को मिलता है, वही टेक्सचर आपको अपने केक में भी देखने को मिलेगा। रवा मावा केक खाने में बहुत ज्यादा यमी होता है। तो चलिए देर किस बात की, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एगलेस रवा मावा केक बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने टिन मोल्ड को रेडी करके रखना है। रेसिपी के हिसाब से यहाँ पर मैंने 6x6 इंच का टिन मोल्ड लिया और इसके अंदर लगाया है बेकिंग पेपर। बेकिंग पेपर के चारों कोनों की एक साइड की स्ट्रिप को कट करते हुए मैंने अपने टिन मोल्ड को चारों तरफ से बेकिंग पेपर से कवर किया है। पेपर के कोनों की स्ट्रिप को पेपर के पीछे कर देना है, जिससे कि आपको अपने केक को बेक करने में आसानी रहे। रेसिपी को डबल करने पर आपको 8x8 इंच का टिन मोल्ड लेना है। टिन मोल्ड में लगाने के लिए आप यहाँ पर बेकिंग पेपर, पचमेंट पेपर या फिर फॉइल पेपर भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको अपने टिन मोल्ड को चारों तरफ से बेकिंग पेपर से कवर करना है। पेपर के ऊपर लगाना है चारों तरफ ऑयल। ऑयल लगाने से आपका केक पेपर पर चिपकेगा नहीं। ऑयल आपको बहुत ज्यादा नहीं लगाना, थोड़ा थोड़ा लगाना है। चारों तरफ ऑयल लगा करके यहाँ पर हमारा टिन मोल्ड रेडी है। इसको मैं रखूंगी एक साइड में। अब मैं ले रही हूँ एक छोटे साइज का बाउल। बाउल में मैं डालने वाली हूँ सूजी। सूजी आपकी एकदम बारीक होनी चाहिए। यहाँ पर मैं 25 ग्राम सूजी ले रही हूँ। मैं इसमें डालूंगी दूध। 30 ग्राम दूध लेना है। दूध डालने से जो आपकी सूजी है वह फूल जाएगी। सूजी के फूलने से आपका केक डेंस नहीं बनेगा। डेंस यानी कि आपका केक नीचे को दबा हुआ नहीं बनेगा। अब मैं दूध और सूजी को कर रही हूँ आपस में मिक्स। इन दोनों को आपस में मिला करके मैं इसको एक साइड में रख दूंगी, जिससे कि सूजी पूरी तरीके से फूल जाए। सूजी के फूल जाने तक मैं इतने और सभी इंग्रेडिएंट्स को रेडी करके रखूंगी। सूजी और दूध आपस में मिक्स हो गए, मैं इसको रख रही हूँ एक साइड में। सुपर टेस्टी केक बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बड़े साइज का बाउल। बाउल में मैं डालूंगी वेट इंग्रेडिएंट। सबसे पहले मैं ले रही हूँ पानी। यहाँ पर मैं 110 ग्राम पानी ले रही हूँ। पानी को डालना है बाउल में। मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच केक जेल। वजन के हिसाब से ये आपका 6 ग्राम है। केक जेल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। केक जेल से बने केक में जो टेक्सचर आता है वह बिल्कुल एग वाले केक जैसा होता है। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी का पाउडर। 40 ग्राम चीनी का पाउडर लिया है। आप यहाँ पर 40 से 50 ग्राम चीनी का पाउडर ले सकते हैं। केक जेल को इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करूंगी। जब तक ये 4 गुने से भी ज्यादा नहीं होता, तब तक मैं इसको बीट करती रहूंगी। इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करने में 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। अगर आपका बीटर कम पावर का है तो आपको इसे फेंटने में ज्यादा समय लगेगा। अगर आपका बीटर ज्यादा पावर का है तो आप इसको जल्दी से फेंट सकते हो। हैंड विस्क से भी आप इसको फेंट सकते हैं, लेकिन उसमें आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। अब मैं इसको तब तक फेंटूंगी जब तक ये फूल का बहुत सारी नहीं होती और इसमें स्टिफ पीक नहीं बन जाती, तब तक इसको फेंटती रहूंगी। मैंने इसमें चीनी का पाउडर डाला था, जिससे कि वह आसानी से घुल जाए। चीनी के अच्छे तरीके से घुल जाने से ही आपके केक की टॉप लेयर चिपचिप नहीं करेगी। आपका अपना केक हाथों पर चिपके नहीं, इसलिए आपको चीनी को अच्छे तरीके से डिजोल्व करना है। 2 से 3 मिनट फेंटने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी देर फेंटने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा केक जेल फूलकर कितना ज्यादा हो गया है। आप इसकी पीक भी देख सकते हैं कितनी ज्यादा स्टिफ पीक बनकर आई है। इसी तरीके से आपको भी केक जेल को फेंट करके केक को स्पोंगी बनाना है। दोस्तों, मैं यहाँ पर 2-4 फ्लेवर से बने केक को प्रीमिक्स से और केक जेल से बनाकर तैयार करूंगी और कुछ केकों को बिना प्रीमिक्स और बिना केक जेल के बनाकर तैयार करूंगी। अलग अलग टाइप के केक की रेसिपी को देखने के बाद यहाँ पर आपकी चॉइस रहेगी कि आपको अपने केक को किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। आप हमारे केक जेल की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। बाउल को उल्टा करने के बाद भी केक जेल नीचे को नहीं गिर रहा है। केक जेल आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अर्बन प्लेटर का केक जेल लिया है। केक जेल को बीट करने के बाद मैं इस बाउल को रख रही हूँ एक साइड में। अब मैं दोबारा से उसी बाउल को लूंगी जिसमें मैंने सूजी और दूध को आपस में मिक्स किया था। दूध में सूजी फूल चुकी है। सूजी के फूल जाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दही। यहाँ पर मैं 45 ग्राम दही ले रही हूँ। दही आप घर की या बाजार की कोई सी भी ले सकते हैं। दही आपकी एकदम ताजी होनी चाहिए। केक अच्छे से सेट हो जाए, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 50 ग्राम अनसोल्टेड बटर। बटर डालने से केक की सेटिंग अच्छे से होती है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवरलेस सनफ्लावर ऑयल। 20 ग्राम ऑयल लिया है। ऑयल डालने से आपका केक सॉफ्ट बना रहेगा। केक बनाने के लिए आप यहाँ पर सोल्टेड या फिर अनसोल्टेड बटर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने अनसोल्टेड बटर लिया है। घर का बटर छोड़कर आप कोई सा भी बटर ले सकते हैं। इसके बाद मैं केक में फ्लेवर देने के लिए ले रही हूँ एक छोटी चम्मच वनीला एसेंस। मैं इसमें आधी छोटी चम्मच मावा एसेंस डाल रही हूँ। मावा एसेंस आपको जहाँ केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। मावा एसेंस आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। मावा एसेंस को स्किप करके आप यहाँ पर रबड़ी एसेंस या फिर कुल्फी एसेंस कोई सा भी एसेंस ले सकते हैं। मैं इसमें डालने वाली हूँ मावा। यहाँ पर मैंने 35 ग्राम मावा लिया है। केक बनाने के लिए आपका मावा एकदम ताजा होना चाहिए। मावे के ताजा होने से ही आपके केक में अच्छा फ्लेवर बनकर आएगा।
यहाँ पर मैं ले रही हूँ 25 ग्राम ब्रेड का चूरा। ताजी ब्रेड स्लाइस को मिक्सी में घुमाकर उसका चूरा करना है। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स है तो उसको भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ताजी ब्रेड स्लाइस का चूरा किया, इसका फ्लेवर ज्यादा अच्छा आता है। ब्रेड के चूरे से आपके केक में मिल्की फ्लेवर बनकर आएगा। ब्रेड स्लाइस को आप मिक्सी में या फिर इस टाइप का चिली कटर आता है इसमें भी घुमा सकते हैं। मैंने एक ब्रेड स्लाइस को चिली कटर में घुमाया था। इसमें घुमाने से आपके ब्रेड का चूरा परफेक्शन के साथ होएगा। सारे फ्लेवर सारे इंग्रेडिएंट डालने के बाद अब मैं इन सबको आपस में मिला रही हूँ। इसकी मिक्सिंग आपको अच्छे से करनी है। आप इसको हल्का सा बीट भी कर सकते हैं। बटर से केक की सेटिंग अच्छे से होती है और ऑयल डालने से केक सॉफ्ट बना रहता है। वैसे यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप टोटल ऑयल या फिर टोटल बटर ले सकते हैं। ये देखिए सबको मिलाने के बाद सूजी का मिक्सचर रेडी हो गया। इसको मैं रखूंगी एक साइड में। अब मैं एक और बाउल लूंगी जिसमें मैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स रेडी करूंगी। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ छलनी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ केक प्रीमिक्स। यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर का केक प्रीमिक्स लिया है। ये आपका 120 ग्राम है। वनीला केक प्रीमिक्स आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये आपको लोकल मार्केट में जहाँ पर केक बनाने का सामान मिलता है वहाँ पर या फिर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। कोई से भी ब्रांड का केक प्रीमिक्स ले, सभी का टेक्सचर एक जैसा होता है। यहाँ पर मैं ट्रोपोलाइट का वनीला केक प्रीमिक्स यूज कर रही हूँ। प्रीमिक्स को स्किप करके आप मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदा के साथ आपको 2-4 इंग्रेडिएंट्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा। अयनगार स्टाइल में बेकरी केक बनाने के लिए मैं कुछ केक प्रीमिक्स के साथ बनाऊंगी और कुछ केक को मैं मैदा के साथ बनाकर तैयार करूंगी। मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर, 25 ग्राम मिल्क पाउडर लेना है। मिल्क पाउडर से केक में अच्छा कलर बनकर आता है। मिल्क पाउडर आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। केक की मिठास को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ एक चुटकी नमक। नमक आप जो रेगुलर में काम में लेते हैं उसको लेना है। केक हमारा लाइट वेट में बनकर तैयार हो इसके लिए मैं ले रही हूँ कॉर्नफ्लोर। 15 ग्राम कॉर्नफ्लोर लेना है। कॉर्नफ्लोर को स्किप करके आप यहाँ पर अरारोट या फिर कॉर्नस्टार्च कुछ भी ले सकते हैं। रवा मावा केक में बढ़िया सा फ्लेवर बनकर आए इसके लिए मैं ले रही हूँ इलायची पाउडर। यहाँ पर आपको आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर लेना है। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छलनी में डालने के बाद अब मैं इन सबको छानूंगी। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा नहीं लिया है क्योंकि मैं केक प्रीमिक्स यूज कर रही हूँ। केक प्रीमिक्स में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों होते हैं। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद मैं इन सबको कर रही हूँ आपस में एक बार अच्छे तरीके से मिक्स। इसके मिक्स हो जाने के बाद हमारे सभी इंग्रेडिएंट आपस में अलग अलग मिक्स हो गए हैं। अब मैं इन सबको आपस में मिक्स करूंगी। मिक्स करके केक बैटर बनाकर तैयार करूंगी। ये देखिए यहाँ पर हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की मिक्सिंग अच्छे से होगी। इसको मैं रख रही हूँ एक साइड में। केक बैटर बनाने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला बाउल लेना जिसमें हमने केक जेल को बीट किया था। अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल दही सूजी वाला मिक्सचर। जिस तरीके से हमने अपने सभी इंग्रेडिएंट को अलग अलग मिक्स किया था उसी तरीके से आपको भी अलग अलग मिक्स करना है, तभी आपका अपना केक सॉफ्ट और स्पॉन्गी बनकर तैयार होगा। इन सबको हैंड विस्क से अच्छे तरीके से करना है मिक्स। आपको इसमें इलेक्ट्रिक बीटर नहीं चलाना। इलेक्ट्रिक बीटर चलाने से जो केक जेल का जो फोमी टेक्सचर है वह सब खत्म हो जाएगा। आपको इसे हैंड विस्क से मिक्स करना है जिससे कि इसका टेक्सचर ऐसा का ऐसा ही बना रहे। केक बैटर बनाने से पहले मैंने अपने ओटीजी को 220 डिग्री पर 5 मिनट के लिए प्रीट होने के लिए रख दिया है। जब मैं अपने केक को बेक करूंगी तब मैं टेम्परेचर को डाउन कर दूंगी। मिक्सिंग हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाल करके मैं इसे हल्के हाथ से मिक्स करूंगी। आप इसको हैंड विस्क से या फिर स्पैचुला से किसी से भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर मैं स्पैचुला से इसको मिक्स करूंगी। मिक्सिंग आपको हल्के हल्के हाथ से करनी है। इसमें जो फोमी टेक्सचर है वह खत्म नहीं होना चाहिए। स्पैचुला से मिक्स करने के लिए इसकी भी एक अलग ट्रिक होती है। आपको अपने स्पैचुला को हाथों से गोल गोल घुमाते हुए इसे मिक्स करना है। इस तरीके से स्पैचुला को चलाने से आपके केक का जो फोमी टेक्सचर है वह खत्म नहीं होगा और ड्राई इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे। बस यहाँ पर आपको स्पैचुला को गोल गोल घुमाते रहना और इसको मिक्स करते रहना है। मिक्स करने के लिए आपको टाइट हाथ नहीं चलाना है, हल्के हल्के हाथ से मिक्सिंग करनी है। दोस्तों आजकल बहुत सारी ऑनलाइन कुकिंग और बेकिंग क्लासेस चल रही है। उन सभी क्लासेस को देखने के लिए आपको बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन आप उन सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस को फ्री में देख सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाना होगा। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आपको देखने को मिलेंगी सारी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस जो एकदम फ्री है। तो देर मत कीजिए, फटाफट से हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और हमारे सभी कुकिंग और बेकिंग क्लासेस को देख डालिए। इसके लिए आपको बिल्कुल भी रुपए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये देखिए मिक्सिंग हो गई है। मिक्सिंग हो जाने के बाद अब मैं अपने इस केक बैटर को डालूंगी तैयार करके रखे गए तीन मोल्ड में डाल करके मैं इसको बेक करूंगी। मैंने अपने ओवन को 220 डिग्री पर प्रीहीट होने के लिए रखा था। बेक करते समय मैं ओवन के टेम्परेचर को 180 डिग्री कर दूंगी। 180 डिग्री पर ऊपर की ग्रिल बंद नीचे की ग्रिल चालू रखते हुए 3 मोल्ड को सेंटर रैक पर रखकर 40 से 45 मिनट के लिए मैं इसको बेक करूंगी। जिनका ओटीजी छोटे साइज का है उनको 170 डिग्री पर इसको बेक करना है। बेकिंग टाइम कम या ज्यादा हो सकता है, कलर देख करके आपको अपने केक को बाहर निकालना है। केक बैटर को 3 मोल्ड में डालने के बाद आपको अपने 3 मोल्ड को टैप नहीं करना है। टैप करने से जो आपका केक बैटर है वह नीचे को बैठ जाएगा। आपको अपने केक बैटर को स्पैचुला से एक सार करना है। ये देखिए केक बैटर को एक सार करने के बाद केक बैटर बेक होने के लिए रेडी है। अब मैं इसको बेक करूंगी। बेक करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ।
मैंने अपने केक टिन मोल्ड को ओवन में सेंटर रैक पर रख दिया है। मैंने इसको 180 डिग्री पर नीचे की ग्रिल ऑन करते हुए 40 मिनट के लिए बेक करने के लिए रखा है। केक को बेक करते समय अगर मुझे लगा कि केक बेक नहीं हुआ है तो टाइम के पूरा हो जाने के बाद मैं इसे 2-3 मिनट के लिए और बेक करूंगी। ये देखिए थोड़ी देर में ही आप हमारे केक की फुलावट देख सकते हैं कितनी अच्छी फुलावट बनकर आई है। अभी मुझे इसे बेक करते हुए 20 मिनट हुए। केक के पूरी तरीके से बेक हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा रवा मावा केक बेक हो चुका है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा कलर बनकर आया है। अगर आपको केक का लाइट कलर पसंद है तो आप इसको हल्का सा लाइट भी रख सकते हैं। गरम गरम केक को टिन मोल्ड में रखकर नहीं छोड़ना है, आपको इसे टिन मोल्ड में से बाहर निकाल देना है। केक को टिन मोल्ड में से बाहर निकाल करके मैं इसको पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रखूंगी। जब यह ठंडा हो जाएगा तब मैं इसकी कटिंग करूंगी। गरम गरम केक की कटिंग नहीं करनी है, कटिंग करने से जो आपके केक की जालियां हैं वे सब जालियां दब जाएंगी। केक के नीचे मॉइस्चर ना आए इसलिए आपको अपने केक को जाली वाली रैक पर रखना है। जाली वाली रैक पर रख करके मैं इसको ठंडा होने के लिए रखूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी। मैं केक के चारों तरफ के पेपर को हटा रही हूँ जिससे कि हमारा केक जल्दी से ठंडा हो जाए। पेपर को हटाने के बाद आप हमारे केक की मोटाई देख सकते हैं कितनी अच्छी फुलावट बनकर आई है। अब मैं अपने केक को 2-3 घंटे के लिए रखकर छोड़ रही हूँ। पूरी तरीके से ठंडा हो जाने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों 2-3 घंटे रखने के बाद केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग करने से पहले मैं इसके नीचे के पेपर को हटाऊंगी। पेपर हटाने के बाद आप इसका बॉटम देख सकते हैं। अब मैं इसको एक ट्रे के ऊपर रख रही हूँ कटिंग करने के लिए। आप हमारे केक की टॉप लेयर देख सकते हैं, एकदम ऐसा आ रहा है। आपको हमारा केक कहीं से भी दबा हुआ नहीं दिखाई दे रहा होगा। हमारी इस रेसिपी से आपका आधे किलो का केक बनकर तैयार होता है। अब मैं अपने केक की कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के लिए आपको तेज धार वाला चाकू लेना है। दोस्तों इस रेसिपी से पहले हमने अयनगार बेकरी स्टाइल वनीला केक बनाकर तैयार किया था, जिसकी रेसिपी हमारे सभी दोस्तों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मुझे बहुत खुशी है वनीला केक की रेसिपी को सभी लोगों ने बहुत ज्यादा लाइक किया। ये देखिए दोस्तों आप हमारे रवा मावा केक का अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा जालीदार बनकर आया है। मैं अपने केक को दबाकर दिखाती हूँ। दबाने में भी हमारा केक कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। रवा मावा केक जिसको बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन आप हमारी रेसिपी से आसान तरीके से रवा मावा केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। आसान रेसिपी से बन जाने के साथ साथ ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। अब मैं अपने रवा मावा केक की स्लाइस में कटिंग करूंगी। कटिंग आप कैसे भी कर सकते हैं। स्लाइस में कटिंग करने के बाद तब मैं आपको इसका एक पीस पास से दिखाती हूँ। दोस्तों आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उन दोनों का लिंक इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। रवा मावा केक की स्लाइस में कटिंग करने के बाद तब मैं आपको दिखाती हूँ, तब आपको विश्वास होगा ये कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा टेक्सचर के साथ बनकर तैयार हुआ है। स्लाइस में कटिंग करने के बाद आप इसका एक पीस पास से देख सकते हैं कितना अच्छा और कितने टेक्सचर के साथ बनकर तैयार हुआ है। मैं अपने केक स्लाइस को दबाकर दिखाती हूँ। ये देखिए दबाने में भी कितना सॉफ्ट है, दबाने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्पॉन्गी है, जालीदार है। रवा मावा केक को आप रूम टेम्परेचर पर 3-4 दिन और फ्रिज में 6-7 दिन रख सकते हैं। इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए पोटेशियम सोर्बेट आता है। पोटेशियम सोर्बेट को यूज करके आप इसको रूम टेम्परेचर पर मौसम के अकॉर्डिंग 10-12 दिन रख सकते हैं। प्रिजर्वेटिव हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। मैं चाहती हूँ कि आप प्रिजर्वेटिव का यूज बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों अगर आपको हमारे एगलेस अयनगार बेकरी स्टाइल केक की क्लास में रवा मावा केक की रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको हमारी और सभी रेसिपी की तरह ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एगलेस अयनगार बेकरी स्टाइल केक की मैं और भी बहुत सारे अलग फ्लेवर में केक की रेसिपियां शेयर करने वाली हूँ। उन सभी रेसिपी को देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए और हमारी इस रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही एक और रेसिपी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।